कैसे टीवी एड्स में कुरकुरे का पैकेट इतना भरा हुआ नजर आता है? क्या सच में एड्स के दौरान फिल्मी सितारे विमल खाते हैं? टीवी कमर्शियल्स में मॉडल के बाल इतने काले घने और लहराते हुए कैसे नजर आते हैं? और कच्चे चिकन को ये कैसे इतना स्वादिष्ट दिखने वाला बना देते हैं? टीवी एड्स वाले हमेशा से ही आम लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं और असली सच्चाई से लोगों को अनजान रखते हैं। उनका मकसद लोगों को जानकारी देना नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचना होता है, और इसीलिए वे ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे टीवी एड्स वाले दर्शकों को मूर्ख बनाते हैं। एड्स में जब किसी भी चिप्स या कुरकुरे का पैकेट दिखाया जाता है तो वो काफी ज्यादा भरा हुआ होता है। आप देखते होंगे कि उनके एक पैकेट में काफी अधिक मात्रा में चिप्स और कुरकुरे बाहर निकलते हैं, लेकिन जब आप बाजार से चिप्स लेने जाते हैं तो आपको हवा के साथ केवल चंद चिप्स ही मिलते होंगे। असल में वे पहले ही पैकेट को पीछे से फाड़ कर उसमें अतिरिक्त चिप्स और कुरकुरे भर देते हैं, और कई बार वे बड़े पैकेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और 5 रुपए के चिप्स और कुरकुरे के एड्स बनाने के लिए एड एजेंसीज वाले लाखों रुपए चार्ज करते हैं, और इसके लिए वे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं। मैंगो जूस के एड्स में आम को काफी ज्यादा रसीला दिखाया जाता है, और एक एक्ट्रेस जब आम को कट करती है या उसे निचोड़ती है तो उसके हाथ गंदे नहीं होते, बल्कि काफी अच्छे से उसमें से जूस निकलता हुआ नजर आता है। असल में एड्स में यूज होने वाले आम असली नहीं होते, बल्कि वे स्पंज की मदद से तैयार किए जाते हैं, और स्पंज को निचोड़ने से ही इतना सारा जूस बाहर निकलता है। स्पंज का इस्तेमाल फ्रेंच फ्राइज के एड बनाने वाले भी करते हैं। वे एक बॉक्स में नीचे स्पंज रखते हैं और उसके ऊपर टूथपिक लगाते हैं, और उन टूथपिक्स में फ्रेंच फ्राइज लगाई जाती है जिससे कि बॉक्स काफी भरा हुआ नजर आए। लेकिन असल में फ्रेंच फ्राइज के बॉक्स में कितनी कम और छोटी फ्राइज होती है ये तो आप सभी जानते ही है। कई बार तो प्लास्टिक या अन्य मटेरियल से भी फ्राइज बना दी जाती है, क्योंकि एड की शूटिंग में काफी टाइम लगता है और असली फ्रेंच फ्राइज थोड़ी देर में ही बासी लगने लगता है। पॉपकॉर्न के एड्स में भी एक टब को काफी भरा हुआ दिखाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि ऊपर तक भरा होने के बाद भी टब में से पॉपकॉर्न बाहर नहीं गिरते, जबकि रियलिटी में तो पॉपकॉर्न काफी हल्के होते हैं और बर्तन से बाहर गिरने लगते हैं अगर उन्हें ज्यादा भर दिया जाए। इसके लिए एड्स वाले सुई धागे की मदद लेते हैं। वे सुई धागे से पॉपकॉर्न की एक माला तैयार करते हैं और उस माला को पॉपकॉर्न के टब में रख देते हैं, जिससे ना तो पॉपकॉर्न हिलते हैं और ना ही नीचे गिरते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के एड में जो बर्फ दिखाई जाती है वो भी ओरिजिनल नहीं होती। असल में वे सभी बर्फ प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली बर्फ जैसे लगते हैं। बर्फ पानी में ठीक वैसे विजिबल नहीं होती, वही प्लास्टिक क्यूब्स आसानी से नजर आ जाती है, और इन्हें अधिक रियल दिखाने के लिए पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। एड्स में जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई जाती है, यदि कोई इंसान उन्हें खा ले तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। क्योंकि फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए एड्स बनाने वाली टीम कई ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। वे फलों के ऊपर हेयर स्प्रे छिड़कते हैं, उनके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाते हैं जिससे वे और भी ज्यादा चमकदार दिख सके, और भी अन्य कई तरह के लिक्विड्स का इस्तेमाल फलों और सब्जियों पर किया जाता है। कई बार तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स असली होते ही नहीं, उन्हें फाइबर या प्लास्टिक से बनाया जाता है और बस पानी के थोड़ा छिड़काव उनके ऊपर कर दिया जाता है जिससे वे और भी ज्यादा फ्रेश नजर आते हैं। कुछ ऐसे ही ट्रिक वे नॉन वेज फ्रूट्स और चिकन का एड बनाने में भी करते हैं। टीवी एड्स में आप जब भी चिकन देखते हैं तो वो काफी फूला हुआ और बहुत बढ़िया तरह से पका हुआ नजर आता है, लेकिन आगे आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में तो वो चिकन कच्चा होता है। चिकन के ऊपर फेविकोल लगाकर उसे एक समान किया जाता है और सारे गड्ढे भर दिए जाते हैं। इसके बाद उसके ऊपर मसाला डाला जाता है, कॉफी और ब्राउन कलर का पेंट लगाया जाता है, और लास्ट में शू पॉलिश से चिकन को चमकाया जाता है, और चिकन को अधिक फूला हुआ दिखाने के लिए उसके अंदर कागज या बलून भी डाल दिया जाता है, और बस वो चिकन बन जाता है जिसे देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। फेविकोल का इस्तेमाल और भी कई प्रकार के एड्स में किया जाता है। मेयोनीज से लेकर चीज और गोलगप्पे की दही बनाने तक कई जगह फेविकोल का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एड एजेंसीज वाले करते हैं। पिज्जा के ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं असल में वो फेविकोल होती हैं। गोलगप्पों को एक के ऊपर एक फेविकोल से ही चिपकाया जाता है, और इसी फेविकोल को गोलगप्पों के ऊपर डाल दिया जाता है जिससे वो दही जैसी लगती है। आप लोगों ने पेस्ट्री, चोकोलावा या केक के एड्स भी देखे होंगे, इनमें भी क्रीम या चॉकलेट की जगह फेविकोल का यूज ही करते हैं। फेविकोल में ब्राउन कलर मिक्स करके उसे चॉकलेट जैसा लुक दिया जाता है, और इसी चॉकलेट से चोकोलावा, ब्राउनी और अन्य एड्स शूट किए जाते हैं। पेस्ट्री और केक्स असल में कार्डबोर्ड से तैयार किए जाते हैं, और व्हाइट क्रीम की जगह अक्सर शेविंग क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। बियर, चाय और कॉफी के एड्स में झाग काफी अच्छे दिखाए जाते हैं,
और वे झाग काफी देर तक बने भी रहते हैं, लेकिन रियलिटी में किसी भी बेवरेज में इतने झाग होते ही नहीं है। इसके लिए एड बनाने वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू के इस्तेमाल से झाग तो बढ़िया बनते हैं, साथ ही वे लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, जिससे शूटिंग आराम से की जा सके। गर्म पानी में चाय की पत्ती को खुलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वे चाय की पत्तियां पानी में नहीं बल्कि वोडका में घोली जाती है। ऐसा ही कुछ कॉफी एड्स में भी करते हैं। कॉफी के ऊपर जो झाग होते हैं वे शैम्पू या लिक्विड सोप से तैयार किए जाते हैं। आप लोग साबुन का इस्तेमाल हाथ धोने या नहाने के लिए करते होंगे, लेकिन टीवी एड्स में साबुन की मदद से आइसक्रीम बना दी जाती है। साबुन में नीचे स्टिक लगाई जाती है और उसके ऊपर फेविकोल वाली चॉकलेट डालकर उसे फ्रिज कर दिया जाता है। एड्स में जब भी कोई ठंडी या गर्म चीज दिखानी होती है तो उसमें से काफी धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। उस धुएं को देखकर लगता है कि खाना बिल्कुल ताजा है और अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन वो खाना काफी देर पहले ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है और धुआं दिखाने के लिए ड्राई आइस का यूज एड्स में करते हैं। कई बार तो एड्स में दिखाया गया खाना भी असली नहीं होता। एड्स में अक्सर दिखाया जाता है कि एक पैकेट नूडल्स में कितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है और एक व्यक्ति का पेट आराम से भर जाता है, लेकिन सच क्या है आप जानते ही हैं। एक पैकेट नूडल्स में किसी इंसान का पेट नहीं भरता और उसमें क्वांटिटी भी काफी कम होती है। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या तो एड्स में 2 या 3 पैकेट नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर नूडल्स के बीच में एक कटोरी रख दी जाती है और उसके चारों ओर नूडल्स फैला दिए जाते हैं। साथ ही 2 मिनट में नूडल्स तैयार होने वाली बात भी पूरी तरह से झूठ है। टीवी एड्स में जो मसाले दिखाए जाते हैं उनका रंग काफी अच्छा होता है, लेकिन असल में नेचुरल मसाले कभी वैसे नहीं दिखते जैसे एड्स में होते हैं। नेचुरल चीजों में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती बल्कि वे थोड़े रफ रफ नजर आते हैं। एड्स में जो मसाले दिखाए जाते हैं वे असल में सिर्फ रंगीन पाउडर होते हैं और खाना बनाने के दौरान इसी रंग का इस्तेमाल करते हुए वे दिखाते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू और तेल के एड्स में दिखाया जाता है कि कैसे बाल हवा में लहराते हैं, वे काले और मजबूत होते हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कभी बाल ऐसे नहीं होते जैसे कि एड्स में दिखाए जाते हैं। उन बालों को शेप देने के लिए हेयर स्टाइल घंटों की मेहनत करते हैं और जो बाल वो लहराते हुए दिखाए जाते हैं वे असल में एक स्टिक की मदद से हिलाए जाते हैं। बाद में एडिटिंग टूल्स का यूज कर उस स्टिक को हटा दिया जाता है। और लास्ट में बात करते हैं विमल जैसे पान मसाला और इलायची के एड्स की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक्टर्स इस तरह की घटिया चीजें खाते ही नहीं है। एड में वे जो खाते हैं वे मसाला नहीं बल्कि मिल्क पाउडर होता है। साथ ही इस तरह के एड्स के लिए बड़ा पैकेट डिजाइन कराया जाता है और उसमें क्वांटिटी भी अधिक डाली जाती है, जिससे लोगों को लगे कि फलाना कंपनी के पैकेट में ज्यादा सामान आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह एड्स और कमर्शियल वाले आम लोगों को सालों से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अगली बार आप इन एड्स में दिखाए गए प्रोडक्ट्स की चमक देखकर कोई भी फिजूल चीज ना खरीदें। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।